दोस्तों आज की कहानी है ननद जी आपको मायके में हिच्चेदारी नहीं मिलेगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शर्मा जी अभी कुछ महीनों पहले ही सरकारी प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। स्वभाव से बेहद विनम्र, संस्कारी और मिलनसार थे। परिवार में पत्नी आभा, बेटा पारस, बहू यशिता और एक पोता यश था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। शर्मा जी भाग्यवान थे कि दोनों बेटियों को ससुराल बहुत मजबूत मिले थे। बड़ी बेटी सीमा की शादी जहां हुई थी उनका दवा का बहुत बड़ा कारोबार था और छोटी बेटी रीमा की ससुराल में पेट्रोल पंप और कपड़े का शोरूम आदि व्यावसायिक माध्यम था। पारस भी विश्वविद्यालय में लेक्चर के पद पर कार्यरत था। कुल मिलाकर शर्मा जी का जीवन एक संतुष्ट पिता के जीवन का प्रतिबिंब दिखाता था। भगवान की दया से आबा जी का भी बहू यशिता से अच्छा तालमेल था। बस उनके घर में हलचल तभी मस्ती थी जब शर्मा जी की बड़ी बेटी सीमा अपने मायके आती और हर चीज में नाक भों सिकोड़ कर अपने पैसे का रुतबा दिखाती, खासकर अपनी भाभी यशिता को और कभी कभी अपनी माँ को भी ताने दे देती कि जब मेरी ननद आती है तो मेरी सास क्या कुछ नहीं देती उनको, और या तो शादी के बाद किसी को मेरा ध्यान ही नहीं है। और आबाजी हंस कर टाल देती कि भाई तुम्हारे ससुराल के हिसाब से हमारी हैसियत नहीं है देने लेने की। तुम लोग ठहरे बिजनेस वाले और हम लोग साधारण नौकरी पैसा लोग, और सीमा सीढ़ कर रह जाती। एक दिन सब लोग रात में खाना खाकर बैठे थे तभी सीमा शर्मा जी से बोली, पापा आप हमेशा बोलते थे कि हमारे घर के पड़ोस में जो जमीन पड़ी है वो आप मुझे और रीमा को दे देंगे, तो अब आप वो जमीन हम दोनों बहनों को दे दीजिए। शर्मा जी सुनकर सन्न रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अचानक ऐसी मांग कर देगी। आबाजी भी हैरान थी। अचानक ऐसी मांग सुनकर फिर भी अपने को संयमित करते हुए बोली, बिटिया तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई जमीन की? घर में सब ठीक तो है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? जब आबाजी सीमा की आर्थिक सुदृढ़ता से पूरी तरह आश्वस्त हो गई तब वो आगे बोली, तुम्हारे तो खुद दो बड़े बड़े मकान और कितनी जमीने हैं। तभी शर्मा जी पुरानी बात याद करने लगे कि कब उन्होंने नौकरी के दौरान दो जमीने खरीदी थी, एक पर अपना घर बना लिया था और एक खाली छोड़ दी थी।
और ऐसे ही अपने बच्चों के सामने कहा था कि बेटियों की शादी में अगर जरूरत पड़ी तो इसे बेच देंगे, वरना अगर इनको कभी किसी तरह की समस्या पड़ी तो इन दोनों को दे देंगे। आबाजी अपने पति को सोच में पड़ा हुआ देखकर परेशान ही गई। वो अपने पति के मन की उतल पुतल को समझ रही थी, क्योंकि उनको भी वो बात याद आ चुकी थी। पारस और यशिता मूक दर्शक बनकर खड़े होकर देख और सुन रहे थे। तभी शर्मा जी विचारों की तंद्रा से बाहर आते हुए बोले, हाँ याद है मुझे, जो बरसों पहले मैंने कहा था, और मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। पर बेटी सीमा, मैंने ये बात उन परिस्थितियों में कही थी कि आगे का समय तो किसी ने देखा नहीं। यदि तुम्हारी या रीमा की शादी में अगर पैसों की कमी पड़ गई तो मैं इस जमीन को बेच दूंगा, और यदि शादी के बाद तुम दोनों को ससुराल में किसी तरह की कोई आर्थिक तकलीफ होती तो उन हालात में ये जमीन तुम्हारे काम आएगी। पर भगवान की दया से तुम दोनों ही बहुत अच्छे और मजबूत घरों में ब्याही हो। तुम दोनों के पास मकान और जमीनें हैं, और सबसे मुख्य बात कि तुम दोनों ही अपने ससुराल में अकेली बहू हो। फिर भी अगर तुम मेरी कही हुई बात पे अटकी हो तो मैं तैयार हूँ। इतना कहकर उन्होंने रीमा को फोन लगाकर तुरंत बुलाया, जो कि इसी शहर में रहती थी। थोड़ी ही देर में रीमा आ गई, और जैसे ही उसको ये सारी बातें आबाजी ने बताई तो वो खुद भी अवाक रह गई कि सीमा दीदी को ये क्या हुआ। पर वो बचपन से देखती आई थी कि सीमा लालच में पड़ जाती थी, और बड़े घर की बहू बनने के बाद लालच और भी बढ़ गया था। जब शर्मा जी ने दोनों बेटियों और बेटे बहू के सामने अपनी बात रखी तो सीमा बहुत खुश हुई, पर रीमा ने जमीन लेने से साफ इनकार कर दिया। तभी आबाजी सीमा से बोली, बेटा तेरे पापा ने कहा तो था, वो अपनी बात आज पूरी कर रहे हैं, पर आज एक बात तू भी अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा ले कि जब तक मैं और तेरे पापा इस दुनिया में हैं, तब तक हम तेरे सुख दुख में साझीदार हैं, पर हमारे बाद तू किसी से कोई उम्मीद कोई अपेक्षा न रखना। माँ की बात बीच में ही काटते हुए सीमा बोली, क्यों माँ, खून के रिश्ते खत्म हो जाते हैं क्या? आखिर दुख परेशानी में रिश्ते ही तो काम आते हैं। तभी आबाजी तटस्थ आवाज में बोली, रिश्ते? कौन से रिश्ते? रिश्ते पर तो लालच हावी हो चुका है, अब तुम रिश्तेदार नहीं हिच्चेदार हो।
और हिस्सेदारी में भावनाओं की कद्र नहीं की जाती। तुम तो इतने बड़े घर की अकेली बहू हो, हमारे पास तो जीवन भर की जमा पूंजी यही घर और जमीन है, और तेरा भाई भी नौकरी में ही है। तो अगर ये भी हम तुमको दे देंगे तो तुम्हारा भाई तो और कमजोर हो जाएगा। आखिर उसके भी जिम्मेदारियां शुरू हो चुकी हैं, और अगर तुम्हें सच में जरूरत होती तो मैं कभी मना न करती, पर माँ होने के नाते मैं बचपन से तेरा स्वभाव जानती हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। बाकी आखिरी फैसला तेरा होगा। रीमा भी बोली, दीदी मैं तो यही चाहती हूँ कि माँ पापा के अलावा भैया भाभी से भी मेरे संबंध मधुर ही रहे। आखिर आगे हमें ही सलाना होगा, ऐसा क्या लालच करना कि जब किसी अपने की जरूरत हो, खुशी या दुख बांटने के लिए तब हमारे पास कोई ना हो, तब ऐसी दौलत मिट्टी नजर आती है, और भगवान और मम्मी पापा की कृपा से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और आप भी इस बात को मान ले तो भविष्य में आपके सम्मान के लिए भी यही हित कर होगा। सीमा को अपने माँ पापा बहन को अपने विरोध में देखकर और भाई भाभी को मुख देखकर अंदर से गलाने का अनुभव हुआ, और उसने रीमा के गले लगकर कहा, आज अगर तू भी मेरे पक्ष में हो जाती तो बड़ा अनर्थ हो जाता, मैं कभी खुद को माप न कर पाती, मुझे तो बस मेरा हंसता हुआ परिवार चाहिए, जो मेरे यहाँ आने पर ये एहसास करा दे कि आज भी इस घर के कोने कोने में मेरी यादें और सब के साथ बिताए हुए पल सहेजे हुए हैं। इस परिवार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व यहीं से शुरू हुआ है, बाकी सब तो यहीं मिला है, यहीं सूट जाएगा, बस यही सन्हे कि भावनाएं साथ जाएगी। उसने माँ पापा रीमा पारस और यशिता सब से माफी मांगी, सब ने उसको गले लगाया, और अब वो पूरे परिवार के बीच में बैठकर बचपन की यादें पुनः जीवित कर रही है और रिश्तों का वास्तविक आनंद अनुभव कर रही है। और आज खुद को सर्वाधिक अमीर समझ रही है, जिसके पास हर रिश्ते का सने रूपी खजाना है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।